कराची के इलाके न्यू रिजविया सोसाइटी से पीपुल्स पार्टी के साबिक रहनुमा फैसल रजा आबदी को हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक साबिक सेनेटर को टारगेट किलिंग की हालिया वारदातों की तफ्तीश के लिए तहवील में लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दो मुकदमात में मेयर कराची वसीम अख्तर की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कराची में शफीक मोड़ पर फायरिंग से जाबहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहर में गुज़श्ता रोज 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। मुकदमा दर्ज। महकमा इतला सिंध में करप्शन के मुकदमे की एहतसाब अदालत में समाज। शर्जील मेमन समेत 3 मुलजमान के एक बार फिर नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का 3 दिसंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर ने 10 माह में 10 करोड़ का ईंधन फूंक दिया। हेलीकॉप्टर पर गवर्नर, वजीर आला इमरान खान समेत दीगर आला सरकारी शख्सियात सफर करती रही। आवाम ने मनफी सियासत का धड़न तख्ता कर दिया। धरना ग्रुप को मुल्क की तरक्की और खुशहाली हजम नहीं हो रही। वजीर आला पंजाब की तनकीद। पंजाब में स्मोक से आज भी रात और सुबह के औकात में ट्रैफिक मुतासिर रही। स्मोक का सिलसिला आइंदा कई रोज तक जारी रहेगा। सांस के अमराज में इजाफा। कोटली में लाइन ऑफ कंट्रोल के गोई सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद स्कूल और कॉलेज बंद। तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से झींगों की बरामद पर पाबंदी उठा ली। चंद माह कबल व्हाइट स्पॉट बीमारी के इंकशाफ के 22 पाबंदी आयद कर दी गई थी। कल जीप रैली का फाते कौन, फैसला आज होगा। फाइनल राउंड में 65 ड्राइवर्स किस्मत आजमाई करेंगे। शायक इनका जोशो खरोश रूप पर।